नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लैश गेट किट्स एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कैसे अपने जो है पेरेंट्स का अपने जो किट्स का अपने बच्चे का मोबाइल कैसे ट्रैक करेंगे और यहाँ पे कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप किसी का भी मोबाइल को अपने अंडर में कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, अपना अकाउंट बनाने के बाद, यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा ही आता है। अब यहाँ पे क्या करना होता है फ्रेंड, फर्स्ट आपको यहाँ पे जो है किसी का जिसका मोबाइल को अपने मोबाइल में करना है पूरा, तो उसके पास ये लिंक शेयर करना होता है। लिंक को आप यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू किसी के भी थ्रू आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दिया है। अब जिसका मोबाइल को आपने मोबाइल में करना है तो आपको जो है उस मोबाइल से इस लिंक से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसके मोबाइल में आपको जो नीचे लिंक दिया गया है उसको इंटर कर देंगे। जस्ट आपका जो मोबाइल यहाँ पे आपके मोबाइल से कंट्रोल होना लगेगा, यानी उसका मोबाइल जो है आपके मोबाइल से पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी सेटिंग वगैरह होता है सब कुछ का आपको परमिशन दे देना होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उसका डिवाइस अपने डिवाइस में ऐड कर लिया है। अब जो भी उसका डिवाइस है, जो भी वो करेगा, जो भी उस डिवाइस में एक्टिविटी करेगा, इस डिवाइस में आप देखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम कंटिन्यू करके यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और उसका जो भी एक्टिविटी है, जो भी करता है, हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना होता है, सारे जो नोटिफिकेशन है अलाउ करना होगा और जो भी परमिशन है सब परमिशन आपको दे देना होगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे परमिशन दे दिया है। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे अभी 3 से 4 परमिशन दी है, जैसे यहाँ पे कैमरे का, स्क्रीनशॉट का और यहाँ पे ऑडियो का। तो इतना जो परमिशन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो है ऊपर पॉपअप हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जिसका मोबाइल में यहाँ पे अपने मोबाइल डिवाइस में कनेक्ट किया हूँ वो क्या कर रहा है इस टाइम पे, तो उसका कैमरा मैं यहाँ पे चला के उसका जो है लाइव जो है देख सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है इस समय। तो यहाँ पे क्या करना होता है फ्रेंड, यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप करना होगा। तो जैसे टैप करेंगे तो आप उसका जो कैमरा ऑटोमेटिक चलेगा और जो भी कैमरे में वो जो है अपने मोबाइल में एक्टिविटी करेगा आपको इस मोबाइल में दिखाई देगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे किस कैमरे से देखना चाहते हैं, फ्रंट वाले कि बैक वाले, तो मैं फ्रंट वाले पे टैप करूँगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये जो मोबाइल देख सकते हैं हमारा जो है रेडमी का है, उसमें थोड़ा सा रिस्पांस कर रहा है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका ले लिया है। अब देखते हैं कैसे क्या फ़ोटो कैसे आता है। और ये भी मोबाइल मेरे पास ही है फ्रेंड, तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बैक कैमरे का ये जो फ़ोटो उसका जो है शूट करके मेरे पास आ चुका है। अब फ्रंट वाला करते हैं, फ्रंट वाला का भी जो है स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, आपको वेट करना होगा। देख सकते हैं उसका फ़ोटो हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है कि यहाँ पे मोबाइल में वो क्या कर रहा था, इस मोबाइल को देख रहा था उस कैमरे में, इसका जो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो देख सकते हैं कुछ इसी टाइप से आप जो उसका मोबाइल को कंट्रोल करेंगे, बहुत सा सिंपल फ्रेंड है। इसमें जो है क्या करना होता है, आपको जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, फिर इस एप्लीकेशन से इसका लिंक शेयर करना होता है। लिंक शेयर करने के बाद जब उसे यूज़ करेगा, ओपन करेगा, तो ये जो आपके मोबाइल में कोड रहेगा उसको उसमें ऐड कर देना होगा। जस्ट आपका जो है जो डिवाइस है कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।